हेलो फ्रेंड्स, और अभी शाम के बज रहे हैं 4। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीमा। और मैं आज बनाने के लिए जा रही हूँ कुछ आज स्पेशल, जो है कि आज चटपटा है। देखते ही आदमी को मुंह में पानी आ जाता है। सभी को बहुत ही यम्मी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। जो कि हम लोग मार्केट जाते हैं तो सोचते हैं कि खाकर ही आए, खाए बिना तो मन मानता भी नहीं है। तो मैं ये लॉकडाउन में मैं आज घर पे ट्राई करने वाली हूँ, बनाने वाली हूँ, तो वही मैं आज बनाने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोलगप्पा बनाने के लिए। उसके लिए मैं अभी आटा तैयार करूँगी, उसके बाद मैं चटनी तैयार करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ली है एक कटोरी सूजी, और इसमें मैं थोड़ा सा मैदा को ऐड करूँगी, और ये है मीठा सोडा, और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी, मिक्स कर दूँगी। नमक भी थोड़ा डाल सकते हैं, थोड़ा सा स्वाद अनुसार, एकदम थोड़ा सा, और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। उसके बाद मैं इसको गरम वाटर से इसे मैं अच्छे से सान लूँगी। अब इसे मैं कपड़े से ढक करके रख दूंगी, ये नरम हो जाए। थोड़ी देर में सूजी जो है पानी को सोख ले वो अच्छी तरह से। और यहाँ पे मैं इमली का पानी बनाने के लिए इमली को डाल रही हूँ। इसमें मैं ठंडा वाटर ही डालूंगी, उससे भी हो जाता है। तो थोड़ी देर, एक घंटे के बाद ये अच्छे तरह से नरम हो जाएंगे। छोड़ देते हैं वो सारे पानी में, तो इसी के लिए मैं यहाँ पे ठंडा वाटर डाल रही हूँ। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैं रेडी करने के लिए जा रही हूँ हरा धनिया है और हरी मिर्च, इमली का पानी जो मैं अभी डाली हूँ फूलने के लिए, तो उसी में मुझे इसको ऐड करना है पीस करके। तो मैं इसको लिक्विड की तरह एकदम में ही मैं एकदम पीस लूँगी, और इसको मैं अच्छे तरह से इसमें मिला लूँगी। वो ऐड कर देने से बहुत ही टेस्टी यम्मी पानी पूरी के पानी बनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो वही यहाँ पे मैं पीस ले रही हूँ। ये देखिए, मेरा धनिया का पत्ता एकदम पीस करके रेडी है, और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी, इमली का पानी जो मैं पहले से फूलने के लिए डाल दी थी। तो वही पानी निकल गए हैं इमली में से, खट्टा पानी, तो वही इसमें मैं ऐड कर दी हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी ऐड कर रही हूँ, एक दो ग्लास, कि ज़्यादा खट्टे तो रहेंगे नहीं, नॉर्मल रहेंगे, नहीं तो खाने में बनेगा नहीं ना, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जीरा, मैं भून करके पहले से रखी हूँ, उस वही मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसमें मैं डालूँगी यहाँ पे काला नमक स्वाद अनुसार, तो वही मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं ऐड करने के लिए जा रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, जितना तीखा खा सकते हैं अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं अपने हिसाब से डाली हूँ। और ये है धनिया पाउडर, तो धनिया पाउडर भी डालते हैं थोड़ा सा।
यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जीरा भुना हुआ जो मैं पहले से भून करके रखी थी, तो इसमें मैं डाल दी हूँ। इससे स्वाद बहुत ही काफ़ी बढ़ जाते हैं। और इसे मैं अब अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब मेरी पानी पूरी की पानी रेडी है। अब ये आटा मैं पहले से सान करके रेडी करके रख दी थी 35 मिनट तक 30 मिनट तक। अब यहाँ पे हो गए हैं, देखिए अच्छे तरह से सब सूजी पानी में सब सोख लिए हैं, अच्छे तरह से हो गए हैं सब मेकअप उसमें। अब इसे मैं अच्छे से छोटे छोटे लोई करके अब मैं इसे अच्छे से बेल लूँगी, उसके बाद मैं इसे फ्राई करूँगी। और यहाँ पे मैं पहले से आलू उबाल करके रखी थी और उसको मैश करके रखी थी, और नमक इसमें मैं ऐड कर दी हूँ, और प्याज और धनिया पत्ता हरी मिर्च मैं पहले से काट करके रखी थी तो इसमें मैं ऐड कर दी हूँ अब। और ये है जीरा पाउडर भुना हुआ, मैं भून करके रखी थी, और इसमें काला नमक भी ऐड करूँगी थोड़ा सा स्वाद अनुसार। और वो जो मैं चटनी पीसी थी पहले धनिया और हरी मिर्च की, तो वो मैं थोड़ा सा रख ली थी तो इसमें मैं उसको भी ऐड कर दी हूँ, उससे मतलब बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और ये तो मैं काला नमक डाल रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा मैं मिर्च पाउडर डाल दूँगी स्वाद अनुसार, तो वही मैं थोड़ा सा यहाँ पर डाली हूँ। और आमचूर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। और बस इतना सा ही ऐड करना है, और इसे अच्छे से मिला लूँगी अब मैं। तो ये बनेंगे बहुत ही अच्छे लगते हैं, यम्मी लगते हैं पानी पूरी के साथ डालकर खाने में। तो ये भी मेरी रेडी हो गई है अब, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं अपना गोलगप्पा एंजॉय कर रही हूँ अब। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और मैं मिलूँगी अब अगले वीडियो में। और तब तक के लिए बाय, और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आइए आप लोग भी खा लीजिए।